देश में दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार शुरू होने जा रहा है। यह खबर उन सभी पत्रकारों के लिए अहम है जिन्होंने पत्रकारिता के सर्वोच्च मानदंड स्थापित किए हैं और सकारात्मक पत्रकारिता के माध्यम से देश दुनिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी भूमिका आपके सामने रख दूं। इंडिया न्यूज के सहयोगी अखबार द संडे गार्डियन ने पत्रकारिता में कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। पत्रकारिता के जरिए देश समाज में हलचल पैदा करने वाली कई बड़े बदलाव का कारण रही खबरों के बूते द संडे गार्डियन ने देश दुनिया में बड़ी प्रतिष्ठा कमाई है। अब पत्रकारिता के जरिए लोकतंत्र गुड गवर्नेंस को बढ़ावा देने, जनहित में बड़ी कानूनी प्रक्रियाओं और अदालती फैसलों की बारीकियों को प्रभावी तरीके से आम आदमी तक पहुंचाने और असमानता को खत्म करने के लिए महिलाओं, आदिवासियों और समाज के कमजोर तबके की आवाज़ को मजबूत करने में जिन पत्रकारों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है उनके लिए द संडे गार्डियन फाउंडेशन अब तक के सबसे बड़े सम्मान की शुरुआत करने जा रहा है। इसका नाम है राम जेठमलानी पत्रकारिता पुरस्कार। द संडे गार्डियन के फाउंडर और देश के मशहूर वकील स्वर्गीय राम जेठमलानी की जन्मशती पर इन पुरस्कारों की शुरुआत की जा रही है। ये पुरस्कार तीन कैटेगरी में दिए जाएंगे। पहली कैटेगरी है राम जेठमलानी मानवता सेवा सम्मान। इसमें गोल्ड मेडल और 14 लाख रुपए नकद दिए जाएंगे। दूसरी कैटेगरी है राम जेठमलानी कानूनी पत्रकारिता पुरस्कार। इसके तहत ताम्र पदक और 1,11,000 रुपये नकद दिए जाएंगे। और तीसरी कैटेगरी है राम जेठमलानी सशक्तिकरण पुरस्कार। इसमें भी एक ताम्र पदक और 1,11,000 रुपये नकद विजेता को दिए जाएंगे। इन पुरस्कारों के लिए आवेदन का काम शुरू हो गया है। इसके लिए आपको लॉगिन करना होगा www.willofsteel.org। नॉमिनेशन के साथ कम से कम अपनी पत्रकारिता से जुड़ी 5 लिंक आप जरूर डालें। द संडे गार्डियन फाउंडेशन के राम जेठमलानी पत्रकारिता पुरस्कारों के लिए निर्णायक मंडल यानी कि ज्यूरी में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस जस्टिस S.A. बोबड़े, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, सांसद सस्मित पात्रा, उद्योगपति किरण मजुमदार शॉ, द संडे गार्डियन के एडिटोरियल डायरेक्टर प्रोफेसर माधव नालापत, देश के जाने माने फोटोग्राफर रघु राय, रोटरी क्लब के पूर्व अध्यक्ष शेखर मेहता, वरिष्ठ पत्रकार कल्याणी शंकर और फोटोग्राफर अतुल कासबेकर शामिल हैं और यह ज्यूरी विजेताओं का निर्णय करेगी। राम जेठमलानी पत्रकारिता पुरस्कार 15 सितंबर को राजधानी दिल्ली में दिए जाएंगे। उस दिन राम जेठमलानी स्मृति व्याख्यान माला का भी आयोजन है। इसमें मुख्य अतिथि होंगे देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़। इस आयोजन में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, भारत के अटॉर्नी जनरल R.वेंकटरमणी, देश के जाने माने वकील फलीएस नरिमन, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस जस्टिस दीपक मिश्रा, तुगलक पत्रिका के संपादक S. गुरुमूर्ति और सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान हिस्सा लेंगे। दुनिया में तेजी से हो रहे बदलावों और आम आदमी के लिए पैदा हो रही चुनौतियों के लिहाज से मौजूदा समय पत्रकारिता के लिए परीक्षा का समय है। पिछले कई वर्षों में भारत ही नहीं दूसरे देशों में भी पत्रकारों ने कई प्रतिमान और कीर्तिमान स्थापित किए हैं। उनकी उस भूमिका और योगदान को सम्मान का नाम है राम जेठमलानी पत्रकारिता पुरस्कार। तो आप अगर मानते हैं कि आप इसके हकदार हो सकते हैं तो आवेदन जरूर करें www.willofsteel.org।